ये देखिए दोस्तों, अपन इसमें से पेंट काटेंगे। इसकी लंबाई है 33 और हिप है 40, ठीक है दोस्तों, और कमर है 30 और मौरी है 12। आया आपको समझ में? अगर आपको समझ में आता है तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हो दोस्तों। आपको आपको वीडियो क्यों पसंद नहीं आती दोस्तों, ये बताइए मुझे पहले। आप इसमें क्या दिक्कत है वीडियो में, ये बता दीजिए आप मुझे पहले तो। ये देखिए आप, ये इसका 40 इंची है, तो 40 का अपना चौथाई भाग में कितना हुआ, 10। इसमें अपन 2 इंची बढ़ा के ये लगा देंगे निशान। और ये अपन अस्तर काट रहे हैं पहले दोस्तों, ठीक है। तो अपनी 33 इंची लंबाई है, तो अपन अस्तर काटेंगे इसका 30 इंची का, 29 इंची का, सॉरी दोस्तों, ये 29 इंची का अपन अस्तर काटेंगे यहाँ से यहाँ तक, क्योंकि कुछ फोल्ड हो जाएगा, फोल्ड के लिए अलग बचाया है अपन ने। ये अपन यहाँ से निशान लगाएंगे इसका, ये 40, और 2 इंची बढ़ा देंगे इसमें। ये मैंने 2 इंची बढ़ा दिया दोस्तों, वो इसके लिए बढ़ाया है मैंने, ये यहाँ प्लेट आएगी, बॉक्स आएंगे इसके, ओके दोस्तों। ये देखिए आप, अब मैं इसको सीधा कर लूंगी, एकदम सीधा करके, और इसका अपन है ना आसन का निशान हिप के हिसाब से लगाएंगे दोस्तों। देखिए आप, आसन का निशान अपना हिप के हिसाब से लगेगा, और वो भी अपना 1 इंची ऊपर से छोड़ के, यहाँ से यहाँ इलास्टिक आएगी अपनी, तो ये अपना 10 इंची पे यहाँ निशान लग जाएगा, ठीक है दोस्तों। 10 इंची पे ये आ गया अपना निशान। अपन है ना इसको यहाँ से 10 को ये हाफ ये कर लेंगे, और 2 इंची ये बढ़ा लेंगे। ये छोटा साइज है, जैसे कोई बड़ा साइज होता है दोस्तों, मैं इसी में समझा देती हूँ आपको, कि कोई बड़ा साइज है ना आपका, तो आप है ना इसको है ना, ये तो अपना आसन के हिसाब, ये तो उसके हिसाब से निकल जाएगा, हिप के हिसाब से पूरा आपका। जैसे किसी का बड़ा हिप होता है तो आप चौथाई भाग में बांट के तो उसको निकाल लोगे, लेकिन ये वाला, ये मैं 2 इंची ले रही हूँ ना, तो आप इसमें थोड़ा बड़ा साइज है, तो इसमें आप 3.5-3.5 तक ले सकते हो दोस्तों, जितनी आपको लूजिंग पहननी है उतनी, ओके दोस्तों। ये मेरा, ये सभी पेंटों का बता रही हूँ मैं आपको। ये अपन इसको सीधा कर लेंगे एकदम, ये देखिए दोस्तों, ठीक है। और इसको भी अपन सीधा कर लेंगे एकदम, यहां से ये सीधा करके बिल्कुल इक्वल करके अपन है ना, ये देखिए आप, ये यहां से ये अपना कितना आ रहा है, 12 इंची, 12 आ रहा है यहां से, 12 आ रहा है, तो 12 का अपना कितना हुआ, 6, हाफ में 6 हो गया। तो अपन ये 6 इंची पे यहां से निशान लगा लेंगे दोस्तों, ये वाला, ये 12 आया और ये 12 का अपन ने यहाँ, ये ऐसे अपन को आपको निकालना ना आए तो ये आपने रखा, तो 12 का वैसे आधा होता है 6 इंची, तो आप अगर ऐसे भी कर सकते हो उसको, ऐसे करके ऐसे, ओके दोस्तों, तो भी ये हाफ में निकल आएगा, ठीक है। और यहाँ भी अपन ऐसे ही 6 इंची पे निशान लगा देंगे यहाँ, और यहाँ अपनी ये प्लेट आएगी 1 इंची की, यहाँ ये वाली अपनी ये प्लेट आएगी यहाँ, और जी वाली प्लेट आप अपनी अपनी मर्जी से डाल सकते हो। 4 इंची पे डाल रही हूँ मैं, तो आप चाहो तो बढ़िया बढ़ा भी सकते हो, ये ऐसे प्लेट आएगी अपनी, ठीक है दोस्तों। ये अपनी 1 इंची की प्लेट आ जाएगी यहाँ, तो ये अपना ये पूरा ये 10 का 10 रह जाएगा ये यहाँ, और ये वाला प्लेट में चला जाएगा, ठीक है दोस्तों। अब अपन इसकी पूरी यहाँ से यहाँ तक 6 इंची पे निशान लगा लेते हैं दोस्तों। ये देखो, ये मैंने 6 पे यहाँ लगाया और 6 पे यहाँ लगाया, आपको दिख रहा है दोस्तों, ये देखिए आप, और पूरा 6 इंची पे ये वाला निशान लगाते हुए, ये देखिए आप, 6 इंची पे ये पूरा निशान लगाते हुए अपन इसको सीधा कर लेंगे एकदम, ये वाली लाइन अपन सीधी कर लेंगे एकदम, ठीक है दोस्तों। और ये देखिए आप, ये मैंने यहां से ये
इसका निशान लगा दिया ये वाला। ये निशान लगा दिया मैंने, ये गुलाई का ये 2 इंची मार्जिन लिया था उसका अपन ने गुलाई में निशान लगा दिया। ठीक है दोस्तों, और है ना ये चीज अपन ये 1.5 इंची नीचे करके लेते हैं, ये याद रखना आप। ये यहाँ से प्लेट के यहाँ से ऐसे करके ये 1.5 इंची यहाँ से यहाँ तक ले लेंगे अपन। ठीक है दोस्तों, ये 1.5 इंची यहाँ आ गया। ठीक है, और अपन को ये वाली स्केल की जरूरत पड़ेगी इसमें, तो अपन क्या करेंगे अपनी 6-12 इंची की मोरी है ना, तो अपन क्या करेंगे दोस्तों, अगर नहीं दिख रहा हो तो मैं ऊपर करके दिखा देती हूँ आपको। ये देखिए अब ये यहाँ से ये है ना, ये यहाँ से 3 इंची पे यहाँ से निशान लगाएंगे और 3 पे यहाँ से लगाएंगे, इसमें 3 पे यहाँ से और 3 पे यहाँ से। अपन क्या करेंगे इसको भी सीधा कर लेंगे दोस्तों। ये देखिए अब ये अपन ना सीधा हो गया एकदम, और ये वाली अपनी सिलाई उसमें चली जाएगी ये पलटने में। ठीक है दोस्तों, और ये अपन उठाएंगे यहाँ से, ये देखिए आप ये यहाँ से मैंने ये निशान लगाया, ये यहाँ से मैंने ये वाला और इसमें मिला लूंगी मैं इसमें। ये देखिए दोस्तों ये पूरा मैंने यहाँ से यहाँ तक ये मिला लिया। अपन इसको ऐसे लगाया और इसको ऐसे लगाएंगे ऐसे पलट के। ये देखिए ऐसे ही निशान लगाना है, और अपन इसको भी गुलाई में कर लेंगे ये वाला। ये अपना निशान हो गया, अब अपन इसमें मार्जिन ले लेते हैं। ये देखिए मैं 1 इंची का यहां से लूंगी, यहां से देखिए दोस्तों ये 1 इंची का मार्जिन मैं यहां लूंगी, बस ज्यादा नहीं लूंगी। 1 इंची का मार्जिन ये ले लिया मैंने, और है ना ये वाला मैं ऊपर अपने हिसाब से लूंगी, आप अपने हिसाब से ले सकते हैं दोस्तों। यहाँ तो मार्जिन और यहाँ का तो अपन कम ही लेंगे, इतनी जरूरत नहीं पड़ती है अपन को नीचे के मार्जिन के लिए, और इधर कोई मार्जिन नहीं लेना दोस्तों, यहाँ कोई मार्जिन नहीं आएगा, आप याद रखना इधर की साइड कोई मार्जिन नहीं, मार्जिन इधर ही आएगा अपना। ठीक है, अब अपन इसकी कटिंग कर लेते हैं दोस्तों। ये देखिए मैं यहाँ से काटते हुए ले जाऊंगी इसको, ऐसे झुकाते हुए ऐसे, जितना अपन ने इधर झुकाव दिया है उधर से अपन उठा लेंगे इसको। ये देखिए दोस्तों यहां से अपन ऐसे करके इसको काट देंगे। और ये अपन यहां इसका निशान लगा लेंगे, ये थोड़ी गहराई दे देंगे अपन यहां से। ये अपना मार्जिन गया और ये अपन यहां निशान लगा लेंगे, ये सिलाई अपनी यहां तक आएगी। ठीक है दोस्तों, ये अपन ने ले लिया, ये अपना वो मार्जिन हो गया, अपन इसकी भी सिलाई इधर से भी कटिंग कर देंगे ऐसे ही राउंड में। अब ये देखिए दोस्तों, अब मैं आपको ये चीज बताती हूँ, यहाँ अपनी प्लेटें आएंगी ये 2, और ये मैंने निशान लगाई दिया है, और यहाँ अपना ये कट वाला निशान लग जाएगा, यहाँ से ये कपड़ा मुड़ेगा अपना। ये देखिए आप, अगर आपको नहीं समझ में कुछ आता तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हो दोस्तों। ये देखिए ये कट गया, अब अपन क्या करेंगे इसको हटाएंगे और इसको ही रख लेंगे ऐसे ऐसे करके, ऐसे रख लेंगे इसको ऐसे रख के, और इसको ऐसे प्रेस करते हुए अपन ले जाएंगे इसको ऐसे, और ऐसे रखते हुए ऐसे पूरा रखते हुए अपन को कुछ नहीं करना है, सिर्फ ऐसे ही रखना है। अपन को इसमें सिर्फ 2 ही निशान चाहिए। ये देखिए आप, यहां से अपन कितना बढ़ाएंगे, अपन ने 1.5 इंची उधर से काट दिया था, अपन 3 इंची यहां से बढ़ा देंगे। ये देखिए ये मैंने 3 इंची बढ़ा दिया। ठीक
ठीक है। अब ये वाला निशान अपना सीधा रहेगा बिल्कुल ऐसे ही, और ये ऐसे रहेगा, ऐसे अपन निशान लगा देंगे, ऐसे ये निशान लगा के ऐसे ये निशान लगा देंगे, और इसमें अपन बढ़ा देंगे पीछे की साइड से। देखिए अब दोस्तों इसमें अपन 2 इंची बढ़ा देंगे, ये देखिए, क्योंकि ये छोटे साइज में मैं 2 इंची बढ़ाती हूँ, बड़े साइज में आप 2.5-3, इससे भी बड़ा साइज है तो 3, उससे भी बड़ा साइज है तो 3.5 बढ़ा सकते हो आप यहाँ से। अब इसको ऐसे करके इसमें अपन मिला देंगे, ये देखिए, और ये वाली सिलाई अपन ऐसे करके ऐसे मिला देंगे, और इसमें ऐसे क्रॉस लगा देंगे, ठीक है दोस्तों। और इसमें अपन मार्जिन ले लेंगे, देखिए ऐसे मार्जिन ले लेंगे, और ऐसे ही यहाँ से भी मैंने ऐसे करके रख के, ये देखिए ये मैं सिर्फ इसमें 1/2 इंची का मार्जिन लूंगी, यहाँ से उसमें 1 लिया था, 1/2 ये ले लेंगे, ठीक है दोस्तों। और तो अपन इससे क्रॉस पट्टी से इस पे निशान लगा लेंगे ऐसे, ये देखिए ऐसे मैंने निशान लगा लिया ये, और इसको अब अपन है ना ये वाला कोई मार्जिन नहीं देना है, मार्जिन अपन ने इधर ले लिया है, और अपन इसकी कटिंग कर देंगे यहाँ से, ये देखिए आप, ये अपन ने यहाँ से ऐसे करके पूरी अपन इसकी कटिंग कर देंगे ऐसे, ये अपन ने पूरी कटिंग कर दी ऐसे, और इसको ऐसे सीधा करेंगे एकदम, क्योंकि ये वाला ये पल्लर अपना यहाँ आएगा, और इस पर अपन ऐसे निशान लगा देंगे यहाँ से, ये वाला ये ऐसे आएगा दोस्तों, ठीक है दोस्तों, आपका अपना ऐसे आएगा ये, ठीक है। अब ये ना अपन यहाँ से रख के ऐसे, यहाँ से ऐसे ही रखते हुए पूरा अपना ऐसे सही से रख के, और इसको भी अपन काट देंगे, ये पूरा काटते हुए अपन ले जाएंगे ऐसे ही गुलाई में ऐसे ही, ये देखिए दोस्तों ये मैं पूरा काट रही हूँ ऐसे ही, और यहाँ भी अपन अपना ये अपना गुटके का निशान लग गया, ये वाला निशान लग गया, और अपन यहाँ फोल्डिंग वाला निशान को लगा देंगे, ये भी अपन कट लगा देंगे यहाँ, ये देखिए आप, ये मैंने कट लगा दिया, और ये भी कट लगा देंगे, और ये अपना कट चुका है दोस्तों। और अपन इसमें से बेल्ट डालेंगे, वो अलग चीज बताती हूँ मैं आपको, इसमें से बेल्ट अब अपन इसका मेन फैब्रिक काटेंगे, देखिए आप दोस्तों, तो अपन को इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी अब अपन को इसकी जरूरत पड़ेगी, ये देखिए इसका मेन फैब्रिक काटेंगे, इसको रख के पहले मैं इस पे प्रेस लगा लूं, फिर मैं बताती हूँ आपको दोस्तों। ये देखिए दोस्तों अब इसको रख के आगे का पोर्शन रख के अपन ऐसे इसको हटाएंगे, बैग वाले को साइड से कर देंगे, और इसको रख के ऐसे करके, ये देखिए आप, ये पूरा ऐसे रख के, और अपन ना कितना था ये 33, ये 33 पे अपन यहाँ निशान लगा लेंगे, और इसका अंदर फोल्डिंग के लिए 2.5 इंची ले लेंगे ये, ठीक है। तो 2.5 ये ले लिया, और ये अपना 35-35.5 इंची हो गया, ठीक 33 ये हो गया और 2.5 ये हो गया, तो 35.5 इंची हो गया दोस्तों अपना ये, ठीक है। अब अपन क्या करेंगे, इसको काट लेंगे दोस्तों अपन, ये देखिए इसको काट के ऐसे करके बिल्कुल ऐसे, ये काटते हुए अपन ले जाएंगे इसको ऐसे, इसमें कोई मार्जिन नहीं, कोई कुछ नहीं देना, अपन मार्जिन अस्तर में दे चुकी है दोस्तों, ये देखिए आप, ये मैंने पूरा काट लिया है यहां से यहां तक, और ये वाला यहां से यहां तक ये मैंने पूरा काट लिया है,
ये देखिए ये अपना यहाँ फोल्ड हो जाएगा, ये देखिए ये अपना ये फोल्ड हो जाएगा, ये वाला चीज ये यहाँ फोल्ड कर देंगे और इसमें अपन कट लगा देते हैं फोल्डिंग की जगह पे, ये यहाँ अपन कट लगाएंगे, यहाँ से अपना फोल्ड हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये अपना सामने वाला पार्ट कट गया, ये देखिए मैं अस्तर वाला बता रही हूँ आपको पूरा, आप ध्यान से देखना दोस्तों, कोई चीज समझ में नहीं आती तो आप मुझे बता सकते हो दोस्तों, आपको अच्छा लगना चाहिए, उसके बाद मैं को अब जब आपको ही पसंद नहीं आएगा तो फिर मेहनत क्यों करूं मैं। ये देखिए आप दोस्तों, इसको भी मैं ऐसे ही रख लेती हूँ, इसका पॉकेट भी बताऊंगी मैं आपको कैसे डालना है, इसकी स्टिचिंग भी बताऊंगी दोस्तों मैं, पहले मैं इस पे प्रेस लगा लूं। ये देखिए प्रेस लगाते हुए ये पूरा मैं ले जाऊंगी ऐसे, ये देखिए अब अपन इसको आगे वाले भाग को ऐसे रखेंगे, बैक वाले भाग को ऐसे रखेंगे, ऐसे करके ऐसे, ये देखिए अपन ने वो 35 इंच लिया था तो ये भी अपन को 35 ही लेना पड़ेगा दोस्तों, याद रखना आप, ठीक है 35 ही ये लेना पड़ेगा, यहाँ अपन 35 इंची पे यहाँ निशान लगा लेंगे, 33 का ये लगाया अपन ने यहाँ, और 2.5 इंची एक्स्ट्रा ले लिया अपन ने, ये देखिए 2.5 इंची मैंने एक्स्ट्रा ले लिया ये वाला, और आपको कोई भी नहीं समझ में आता तो आप मुझसे पूछ सकते हो दोस्तों, कमेंट में पूछ सकते हो आप दोस्तों मुझे। ये देखिए ये पूरा ऐसे करके अपन ने ये लगाया 33 पे, ये अपना 33 आ गया यहाँ, और 2.5 इंची एक्स्ट्रा ले लिया ये अपन ने, अपन इसको सीधा कर लेंगे बिल्कुल इक्वल, ऐसे सीधा करके ऐसे, ये देखिए दोस्तों मेरा है ना इस पर कैमरा आ नहीं रहा तो मैं आपको ऐसे बता रही हूँ, ये देखिए मैंने सीधा कर लिया, सीधा करके ऐसे बिल्कुल अपन ये वाला ऐसे ही पूरा बिछाते हुए, और यहाँ से बिल्कुल सीधा करके ऐसे ऐसे करके स्केल से बिल्कुल आप सीधा कर लेना, ऐसे नहीं समझ में आता तो ऐसे करके और कटिंग कर देना आप इसकी। ठीक है दोस्तों, इसमें आपको अगर कुछ भी नहीं समझ में आ रहा तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हो दोस्तों, ये देखिए ऐसे करके पूरा अपन ऐसे करके इसको ऐसे पूरा काटते हुए ले जाएंगे, और इधर से भी अपन काट लेंगे, और इसको भी अपन सीधा कर लेंगे यहां से, एकदम ये सीधा कर लिया, और ये अपन कट का निशान लगा लेंगे यहाँ, ये गुटके का अपन ने निशान लगा लिया, यहाँ से ये फोल्ड होगा। ठीक है दोस्तों, ये अपना आगे पीछे का कट गया, ये अपना आगे पीछे का कट गया, ये देखिए आप, ठीक है, और इसमें से अपन मैं आपको पॉकेट बताती हूँ पॉकेट कैसे लगेगी, और इसी में से अपना बेल्ट बताती हूँ मैं आपको, ये देखिए इसी में से अपन इसका बेल्ट निकाल लेंगे आगे पीछे का, ये देखिए ये देखिए दोस्तों, पहले अपन इसमें से पॉकेट निकालेंगे, लंबाई रखेंगे पॉकेट की अपन 13 इंची, अपन दो पॉकेट भी लगा सकते हैं उसमें, कोई दिक्कत नहीं है, दो पॉकेट ऐसे आ जाएंगी और इसमें से अपना बेल्ट निकल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, तो अपन दो पॉकेट ऐसे डालेंगे, देखिए आप
ऐसे करके इसको ऐसे डाल देंगे दो पॉकेटों को, ऐसे दोनों काट लेंगे अपन साथ में। ये देखिए, ये देखिए दोस्तों, ये 7-7 इंची पे अपन यहां से निशान लगा लेंगे। ये अपन 7 इंची का ये लंबाई में अपना पूरा निशान लगा लेंगे। ये अपनी खोलने के बाद 14 इंची हो जाएगी, और ये वाला अपन 12 इंची पे यहां से निशान लगा लेंगे, ये वाला सीधा करके, और इसको ऐसे काट लेंगे। ये देखिए आप, ये पूरा ऐसे काटते हुए दो पॉकेट निकल जाएंगे अपनी ऐसे। ये देखिए, ये आप अपनी पॉकेट ये दोनों निकल चुकी हैं। ये देखिए आप, ये अपनी पॉकेट निकल चुकी हैं दोनों, ये दोनों पॉकेट हैं अपनी। ठीक है दोस्तों, अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आता तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हो दोस्तों। ये देखिए, ये अपनी पॉकेट निकल चुकी है, ठीक है, दोनों है। और इसमें है ना अपनी वो थी 12, इसमें से अपन दो पट्टियां निकाल लेंगे ऐसे करके, आगे पीछे के लिए दो दो पट्टियां हैं अपनी ये, तो अपना पूरा कपड़ा ये देखिए आप, ये मैंने आगे पीछे के लिए दो दो पट्टियां निकाल ली हैं। ये देखिए, ये वाली पट्टियां, और ये कितनी इंची की निकाली है मैंने, ये देख लीजिए, मैं बता देती हूँ आपको। ये मैं निकालूंगी सिर्फ 2.5-2.5 इंची की, वो 3-3 इंची की, सॉरी दोस्तों, 3-3 इंची की, और इसकी किनोरी ये काट लेंगे। ये देखिए, ये मैंने 2.5-2.5 इंची की पट्टियां निकाल ली हैं। ये देखिए, एक पट्टी ये हो गई आगे पीछे के लिए, और एक पट्टी अपन इसमें से निकाल लेंगे। ये वाली, ये अपनी आगे पीछे के लिए हैं दोनों। ये देखिए आप, कितनी होगी अपनी, ये इसमें थोड़ा जॉइंट आएगा यहाँ, तो अपनी इसमें ही से ये पट्टियां निकल जाएंगी। ये इसमें से अपन जॉइंट निकाल लेंगे तो अपनी ये पट्टियां पूरी हो जाएंगी दोस्तों। ठीक है, ये अपन रख लेते हैं, बाद में बनाएंगे तब मैं आपको जॉइंट लगाना बताऊंगी। ठीक है, आपको मेरे पैंट की कटिंग कैसी लगी दोस्तों, आप मुझे कमेंट में बता सकते हो। ये पूरा पैंट अपना कट चुका है, ये देखिए आप दोस्तों, ये देखिए आप, ये मेरा पूरा पैंट कट चुका है, ये आगे पीछे का मैंने ये काट लिया है, और इनर वाला है, ये पूरा अस्तर डला हुआ है इसमें। ये देखिए, आपको कैसा लगा आप कमेंट में बताइए, इसकी कटिंग आपको समझ में आई या नहीं आई। अगर आई हो समझ में तो आप से कमेंट कीजिए दोस्तों, और लाइक भी कीजिए और शेयर भी कीजिए दोस्तों। ये मेरा पैंट पूरा कट चुका है दोस्तों, बाय बाय।